गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम इरशाद सर, फिजिक्स सॉल्यूशन इस चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, हमने फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट किया है काइनेमेटिक्स, और उसमें हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मोशन के बारे में देखा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक जिसका नाम है स्पीड। काय के बारे में स्टडी करने वाले हम? स्पीड के बारे में। अभी वैसे तो स्पीड क्या होता है, देखिए, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इट्स कॉल्ड एज स्पीड। स्पीड मतलब क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इट इज कॉल्ड एज स्पीड। अब इसका मतलब समझते हैं हम। इसको हमेशा भी लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है फॉर्मूला स्पीड का? डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम, मतलब हमने एक पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब मान लो कोई ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 सेकेंड के अंदर, तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हुई? क्या है फॉर्मूला? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 20, और टाइम कितना है? 2। तो 20 बाई 2 मतलब कितना? 10। और स्पीड का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। क्या है स्पीड का यूनिट? मीटर पर सेकेंड। तो हम यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पीड। तो हम इसको इसके ऐसा यूनिट को समझते हैं, डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकेंड। तो ये हो गया उसका ऐसा यूनिट। सीजीएस यूनिट समझते हैं, डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर और टाइम का रहेगा सेकेंड। और चीजें उसके बारे में समझेंगे। स्पीड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि डिस्टेंस हमने देखा था स्केलर क्वांटिटी है, टाइम आपका स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर मतलब क्या? स्केलर मतलब क्या ये हम आगे भी पढ़ेंगे। जिसके पास मैग्नीट्यूड है बट नो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, ऐसी जो क्वांटिटी है उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो आपका डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, इनके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो उसको मैं बोलूंगा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर वेक्टर के बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। फिलहाल ध्यान में रखो स्पीड आपका कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो समझ में आ रहा है स्पीड मतलब क्या है? स्पीड मतलब आपका ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक यूनिट टाइम के अंदर, उसको मैं क्या बोलूंगा? स्पीड। तो ये बेसिक हो गया हमारा स्पीड के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे, स्पीड कौन से हो सकते हैं। तो एक स्पीड रहेगा हमारे पास एवरेज स्पीड। कौन सा स्पीड रहेगा? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या रहेगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या रहेगा आपका? ऑब्जेक्ट ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसको टोटल कितना टाइम लगा, वो रहेगा हमारा एवरेज स्पीड। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। मतलब मान लो ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां तक d1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, देन यहां से यहां तक d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां पर टाइम लगा t1 और यहां पर टाइम लगा t2। तो हम यहां से बोल सकते हैं एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा? d1 प्लस d2। हमको टाइम कितना लगा? t1 प्लस t2। तो ये हो गया मेरा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड निकालना है मतलब क्या निकालना है आपको? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है। अब इस स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ये कितने की स्पीड से चल रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई इसकी स्पीड। और यही ऑब्जेक्ट देखो यहां पर 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, फिर आगे आया 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, फिर आगे आया 18 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, फिर आगे आया 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, फिर आगे आया 25 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। मतलब हर बार ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इस केस में आपको बताना है ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या रही होंगी। तो हम क्या करते हैं फिर? ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं।
पहला तरीका मैंने आपको बताया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम का एक तरीका आपके पास हो सकता है। दूसरा तरीका, जितने भी बार आपने स्पीड चेंज की है मैथमेटिकली वो सभी स्पीड को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे और उतना नंबर उसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। एवरेज कैसे निकलते हैं ये तो आपको पता ही है, तो उस तरह से हम एवरेज स्पीड भी क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, यहां से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू को अगर मैं डी बोलता हूं, डी वन प्लस डी टू को मैं टी बोलता हूं, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मेरा हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं, राइट? ओके, अब मैं स्पीड के बारे में आगे क्या बताऊं, तो अब हम नया पढ़ेंगे। देखो स्पीड के बारे में तो आपको मैंने बता दिया जो जरूरी चीजें हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वांटिटी जिसका नाम है वेलोसिटी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब वेलोसिटी मतलब क्या, देखो वेलोसिटी की डेफिनेशन हम नॉर्मली ऐसे समझ सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी मतलब क्या, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इसी को हम क्या कहते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि वेलोसिटी को अगर मैं वी कहता हूं तो रेट मतलब क्या, क्या चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं यस कहता हूं और रेट मतलब टाइम के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसी को मैं क्या कहूंगा वेलोसिटी। तो आप समझ सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका क्या था स्पीड, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपका क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये आपका क्या है वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फिर बात करते हैं उसकी एसआई यूनिट की, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है मीटर और टाइम का यूनिट क्या है सेकेंड। सीजीएस यूनिट की अगर बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर और टाइम का सेकेंड। नेक्स्ट, अब जो वेलोसिटी होता है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी होता है, कौन सा क्वांटिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। देखो स्पीड और वेलोसिटी में आपको डिफरेंस समझ में आना है। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करते हैं तो डिस्टेंस आपका क्या है स्केलर है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट आपका है वेक्टर। अब यह आपको कैसे समझ में आएगा, तो आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट जाकर देखना पड़ेगा। डिस्टेंस को हमने क्या किया, हमने कितने भी बार डायरेक्शन को चेंज किया तो हमने डिस्टेंस को क्या किया ऐड किया, मतलब उसको डायरेक्शन से कुछ भी फर्क गिरा क्या नहीं गिरा, क्योंकि वो कौन सा क्वांटिटी है स्केलर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के ऊपर क्या करता डिपेंड करता, मतलब अगर आप डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है चेंज होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट आपका कैसा क्वांटिटी है वेक्टर। तो फिर डिस्टेंस स्केलर है तो आपका टाइम स्पीड भी कौन सा क्वांटिटी आ गया स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट आपका अगर वेक्टर है तो वेलोसिटी भी कौन सा क्वांटिटी आ गया वेक्टर। मतलब वेलोसिटी के पास क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा एंड डायरेक्शन भी रहेगा। वेलोसिटी के पास क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड भी रहेगा एंड डायरेक्शन भी रहेगा। अब बच्चों आगे तो हम डिटेल में और समझेंगे, बट जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम क्या कहते हैं स्पीड, क्योंकि स्पीड के पास क्या है हमारे मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है क्या नहीं, क्योंकि स्पीड कौन सी क्वांटिटी है स्केलर, तो उसके पास सिर्फ क्या रहेगा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन रहने वाला नहीं है। इसलिए समटाइम्स वी कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इट आल्सो कॉल्ड एज स्पीड। तो दिस इज ऑल अबाउट वेलोसिटी। अब हम इसके डिटेल में थोड़ा सा जाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम समझ सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हम समझ सकते हैं, तो एवरेज वेलोसिटी को हम कैसा समझेंगे, तो देखो अभी ध्यान देना है। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या आपका, एवरेज वेलोसिटी मतलब हमारा टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, या फिर सीधा सीधा हम इसको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम भी बोल सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट कैसे लेना है देखो, अभी मान लो आपका एक ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया, तो यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट था एस वन और यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया एस टू, और यहाँ पे आपका टाइम था टी वन और यहाँ पे टाइम आपका टी टू। तो डिस्प्लेसमेंट लेना है तो कैसा लेना है, मैं इसको और अच्छे से लिख कर देता हूं। एवरेज वेलोसिटी आप ऐसा लिख सकते हैं चेंज डिस्प्लेसमेंट, चेंज डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज टाइम, ये सही रहेगा एवरेज वेलोसिटी के लिए। एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या,
देखो अभी वेक्टर क्वांटिटी था ऐसा बाहर आ जाएंगे इसके ऊपर। चेंज डिस्प्लेसमेंट मतलब मैं उसको लिखूंगा डेल एस, और चेंज टाइम लिखूंगा मैं उसको डेल टी, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं डेल एस मतलब क्या चेंज डिस्प्लेसमेंट, चेंज मतलब क्या फाइनल माइनस इनिशियल, ओके, और चेंज टाइम मतलब टी टू माइनस टी वन। तो ये हो गया मेरा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला हो गया एवरेज वेलोसिटी का मेरे पास, एस टू माइनस एस वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। तो ये कौन सी वेलोसिटी हो गई आपकी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी मतलब आपको क्या करना है, चेंज डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज टाइम लेना है। अभी तो मैं आपको थ्योरी बता रहा हूं, जब हम एग्जांपल देखेंगे एमसीक्यूज देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा कि एवरेज वेलोसिटी कैसा आया, क्या आया, क्यों आया, ठीक है। अब इसमें और एक वेलोसिटी हो सकती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप ऐसा ध्यान में रखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब क्या, द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल। थोड़े समय के लिए जो वेलोसिटी चेंज होती है मैं उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कह सकता हूं। इसका एक एग्जांपल समझाने के लिए आपको मैं बता सकता हूं, मान लो आपको एक कार चला रहे हो और आपके बाजू में एक दूसरी कार जा रही है। अब मान लो आपको उस दूसरी कार को ओवरटेक करना है, तो ओवरटेक करने के लिए आप क्या करते हैं, थोड़े समय के लिए आपकी स्पीड को क्या करते हैं आप बढ़ाते हैं, या फिर कभी कभी कम भी करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो स्मॉल टाइम के लिए जब हम ऑब्जेक्ट की स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या करते हैं चेंज करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं एवरेज, सॉरी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको मैं कैसे लिखूंगा फिर, वी इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू, देखो लिमिट क्या है हमारे पास, टी टेंस टू जीरो, मतलब जीरो टाइम के लिए जो हमने क्या किया वेलोसिटी को चेंज किया, मतलब स्मॉल टाइम के लिए हमने वेलोसिटी को क्या किया चेंज किया, ऐसा उसका मतलब है। और क्या है हमारे पास फॉर्मूला, डेल एस बाय डेल टी। अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर हमने यहाँ पे अप्लाई किया, तो लिमिट टी टी टेंस टू जीरो डेल एस बाय डेल टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी एस बाय डी टी, दोनों का मतलब एक ही है। इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट जो है आपका बहुत ही कम समय के लिए चेंज हुआ है, या फिर वेलोसिटी आपकी बहुत ही कम समय के लिए चेंज हुई है, इसलिए उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। ये डी का भी मतलब होता है वेरी स्मॉल, ये डी जो होता है डेल से भी कैसा होता है छोटा होता है, जो डी